नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुख करते हैं दिनभर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के हटिया चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अहले सुबह आग लग गई। आसपास के लोगों द्वारा आग लगने की सूचना बैंक प्रबंधक को और फायर ब्रिगेड को दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचती तब तक आग की लपटें कई बिजली के उपकरण और टेबल डेस्क जला चुकी थी। बैंक मैनेजर ने बताया कि आज सुबह करीबन 6 बजे यह घटना हुई है। दुर्घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस आग की वजह से कितना का नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि किसी तरह के कैश जलने की सूचना अब तक नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इन्वर्टर के नज़दीक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग पकड़ी थी। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रसमहुआ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक पक्ष के 4 वहीं दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हैं। पहले पक्ष से घायल जितेंद्र कुमार पंडित ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। पहले भी इस जमीन को लेकर दूसरे पक्ष द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी और इस मर्तबा थाने के आदेश के बाद घर बनाया जा रहा था उसके बावजूद मारपीट की गई, जिसमें से उनकी माँ और बासमती देवी गंभीर रूप से घायल हैं और हाथ का नस कट गया है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गोड्डा से बाहर रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि रॉड और खंती से यह प्रहार किया गया था, जिसमें कुल 4 लोग घायल हुए हैं। तीसरी खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड कार्यालय में बीपीओ के पद पर कार्यरत पुरुषोत्तम मिश्रा को एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो दुमका की टीम ने 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इसके पूर्व भी एसीबी की टीम ने पथरगामा प्रखंड के नाजिर जयप्रकाश नारायण साह पर भी छापा मारा था, पर वो मौके पर फरार होने में कामयाब हो गए थे और बाल बाल बच गए थे, जिसके बाद से ही एसीबी की लगातार प्रखंड मुख्यालय में नज़र बनी हुई थी। और आज एसीबी की टीम ने रंगे हाथों प्रखंड कार्यालय के बीपीओ को 20,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। वह इस कांड के बाद पूरे प्रखंड कार्यालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कनवारा गांव से अवैध रूप से बालू चलाए जाने के क्रम में एक ट्रैक्टर को जब्त कर मुफस्सिल थाना गोड्डा लाया गया, जिसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी अरुण कुमार बताते हैं कि काफ़ी दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी, जिस पर एक टीम गठित कर हमने छापेमारी की और हमें सफलता हाथ लगी। गाड़ी से संबंधित कोई भी कागजात नहीं थे तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचना दे दी गई है। अगली खबर में आपको बता दें कि आज नेहरू युवा केंद्र गोड्डा द्वारा राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी सुशांत कुमार ने बताया कि हम भारतीय नागरिक के लिए हर साल 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है। दरअसल यही वह दिन है जब देश के संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। अंबेडकर जी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में फैले असमानता, छुआछूत, कुप्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त कर समानता का अधिकार देने के लिए संविधान निर्माण में अहम योगदान दिए हैं। अगली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा प्रखंड के पैरडी और पोड़ैयाहाट प्रखंड के बिरनिया गांव में अडानी फाउंडेशन की ओर से लगाए गए मोबाइल स्वास्थ्य शिविर में 125 से भी ज़्यादा लोगों को मुफ्त चेकअप किया गया। स्वास्थ्य शिविर में बुजुर्ग के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी अपना इलाज कराने पहुंचे थे। बदलते मौसम की वजह से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे बुखार और सर्दी खांसी जैसे बीमारियों का इलाज कराने पहुंचे, जबकि कई बुजुर्ग घुटने में दर्द और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की समस्या से ग्रसित पाए गए। डॉक्टर जाँच के बाद अडानी फाउंडेशन की ओर से मुफ्त दवा का भी वितरण किया गया। अगली खबर में आपको बता दें कि आज संविधान दिवस के अवसर पर महागामा अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव के द्वारा अनुमंडल कर्मचारियों एवं नगर पंचायत कर्मचारियों को संविधान के प्रति शपथ दिलाई गई। अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। अगली खबर साहेबगंज जिला की है, जहाँ आज मंडरो प्रखंड के सभागार में बड़े ही उत्साहपूर्वक संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। मौके पर बीडीओ श्री कनक, सीओ नरेश मुंडा के नेतृत्व में मंडो प्रखंड कर्मचारी, डीलर आदि लोगों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर संविधान के अनुरूप सच्ची निष्ठा के कार्य करने की शपथ ली गई। इस अवसर पर सीओ नरेश मुंडा ने कहा कि आज का दिन यथार्थ 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देखरेख में भारतीय संविधान तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था।
इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इस संविधान को देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अंत में आपको बता दें कि आज सुबह के करीब 3 बजे गुप्त सूचना मिलने पर साहेबगंज वन विभाग के वनपाल विजय कुमार सिंह, वन रक्षी अखिलेश मरांडी एवं सनी कुमार रजक ने मंडरो प्रखंड के दामीन बिट्टा से गुजरते एक ट्रैक्टर जिसमें 24 बोटा समेल लकड़ी रखकर बिहारी मेन रोड से होकर बिहार ले जाया जा रहा था। वनपाल, वनरक्षी एवं वनकर्मी दामिन बिट्टा से नजर रखते हुए सही मौके पाकर बिहारी मेन रोड पर मिर्जा चौकी ट्रैक्टर सहित 24 बोटा समेल लकड़ी को जब्त कर साहेबगंज वन प्रमंडल कार्यालय लाया गया।